गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। सबको नमस्ते, जोहार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और प्रणाम भी एंजल याद दिला दे रही है। तो गाइस, हम लोग अभी दीघा पहुंच चुके हैं। रात भर बहुत आराम से सोए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग अभी देखते हैं, थोड़ा सा घूमने के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं। तो चलिए, नया जगह में नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे हम लोग पहली बार। तो एंजल की मम्मी भी देखिए, इधर पूरा एकदम न्यू लुक के साथ में रेडी हो चुकी है। कैसा लग रहा मेरा न्यू लुक, जरूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए, नए नए जगह में थोड़ा सा नया लुक होना बहुत जरूरी बनता है ना। तो सब जगह में एक ही जैसा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो चलिए, अब यहाँ पर घूमते हैं हम लोग और क्या क्या चीज़ यहाँ से दिखता है तो सब चीज़ को दिखाएंगे आप लोगों को। ऑफिस भी है, तो चलिए चलते हैं हम लोग साथ। ठीक है गाइस, तो हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं। अभी देखिए चारों ओर हम लोग की साइड में जितना भी है ना, सब रेस्टोरेंट है। और रेस्टोरेंट नहीं, होटल इन जिसे कहेंगे हम लोग। हाँ, मतलब रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पर ठहरने के लिए। और हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट लगता है 6:30 हो रही है। हाँ बेटा, कैट इधर तो देखिए पूरा, मैडम न्यू लुक के साथ में। इधर भी हमारे साथ में एंजल है। हम लोग मैचिंग की है, ग्रीन। हाँ, और इधर में कैट भी एक तो है, यहाँ पर कैट है एक तो जो बैठी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अभी थोड़ा सा घूम करके आते हैं। इधर का न्यू लुक कैसा है, मतलब दिस इज ओल्ड दीघा, तो ओल्ड दीघा में मजा लेने वाले हैं। हाँ बेटा, आपके साथ में कैट भी जाएगी। तो चलिए ना, हम लोग घूम लेते हैं। तो यहाँ पर बैठ, देखिए यहाँ पर बड़ा वाला है होटल, आराम से स्टे करो। तो हम लोगों को 10 बजे तक का टाइम दिया गया है ताकि हम लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं 10 बजे से पहले। अभी 6:30 हो रही है, तो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ये ना मेन चौक एक्चुअली में, यहाँ पर देखिएगा तो इस साइड में हम लोग शीशोर के लिए, और इस साइड में है मतलब ऑटोज़ वगैरह सब ऐसे खड़ी रहती है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर कोई भी आएंगे यहाँ पर विज़िट करेंगे तो आराम से जा सकते हैं। तो हम लोग चलिए इधर घूमने के लिए, वॉक जैसे करने के लिए निकल रहे हैं। थोड़ा सा गर्मी है, लेकिन सुबह सुबह भी थोड़ा ठंडा ठंडा है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाएंगे तो गर्म भी लगेगा। हे गाइस, देखिए हम लोग आए हैं दीघा। ये कितना ही मस्त जगह है, सारे लोग उधर में उतरे हैं। हाँ बेटा, हाँ देखिए ना इसका वेव्स कैसे आती है यहाँ अंदर में। हाँ हाँ, पानी में डूबा हुआ है। अरे यहाँ पर अली नवानी सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। चलिए हम लोग भी पहली बार। हाँ बेटा, चलिए उधर देख लेते हैं, उसके बाद में आओ इधर घूमेंगे। हाँ हाँ, बट ये तो सी है बेटा। चलो ये कैसा होता है देखिए, ये सी ब्रिज है, लैंड ब्रिज वाला फॉर्म चल रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ, तो हम लोग अभी जाएंगे, कैसा होता है, कितना है सुंदर। तो चलिए ना, हम लोग उधर चलेंगे, उधर फोटो वोटो सब क्लिक करेंगे, मज़ा आएगा। एकदम सी शोर के सामने में जो है ना, ये बना हुआ है, बहुत ही गजब लग रहा है, मस्त लग रहा है। यहाँ अंदर में भी देखिए, ये कुछ कुछ चीज़ें जो बनी हुई है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। और होटल वगैरह सब लेने से यहाँ पर भी लिया जा सकता था, जो साइड में दी गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉस्टली है। हम लोग ज़्यादा कॉस्टली में नहीं गए और हम लोग ज़्यादा मज़ा लेने का कोशिश किए हैं इधर। देखिए यहाँ का जो नज़ारा है ना, वो काफ़ी खूबसूरत है। सारे लोग यहाँ पर समुद्र में उतरे हुए हैं। चलिए हम लोग भी चलते हैं यहाँ पर, हम लोग भी इसका मज़ा लेते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया है और सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए कुछ देर तक हम लोग भी यहाँ पर इंजॉय करेंगे, क्योंकि जब आए हैं तो शीशोर में तो मज़ा लेना ही होगा ना, फोटो वोटो खिंचाना होगा, बिना खिंचाए तो जा नहीं सकते यहाँ से। तो चलिए देखिए यहाँ पर गाइस, अभी चलो भागो, अभी हम खाने नहीं देने वाले तुम लोगों को। तो चलिए, ये ज़बरदस्त है, लोग यहाँ पर बेचते हैं कुछ कुछ चीज़ सब। यहाँ शंख भी मिलता है, देखिए ये साका पोला बोलते हैं, वो भी है यहाँ पर। सारे लोग सुबह सुबह से ले करके, अभी अर्ली इन द मॉर्निंग हमको लगता है 6:30 के आसपास में हो रहा है ना, तो पूरा यहाँ पर पूरा लोग बिछाए हुए हैं। देखिए यही तो है समुंदर का मज़ा। अभी हम लोग उधर में जाने वाले हैं, ऊपर तक देखिए, चलो वहाँ तक थोड़ा सा भेजते हैं। हम लोग तो जूता उता पहन करके आए, हम लोग किसी में जूता पहन के नहीं आना चाहिए था। तो देखिए यहाँ कितना मस्त वाला व्यू आ रहा है, ये वेव्स आ रहा है और जा रहा है। देखिए यहाँ हल्का है और अर्ली इन द मॉर्निंग है, पूरा वेव पूरा जबरदस्त से है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना देख करके कि क्या ही बताएं आपको। पता नहीं, वहाँ सामने में एक बोट दिख रहा है,
वही अच्छा से रखना, मम्मा गिर जाएगा सारा चीज। हाँ एक दो बोट है, बोट है देखो वो आ रहा है, वो फिशिंग बोट है शायद। उधर में एक तो फिशिंग बोट दिख रहा है। क्या मस्त है एकदम, इसी के ही तो मजा लेना है। चलो चलते हैं अंदर तरफ। कितना ही मजेदार वाला सीन है। देखिए कहा जाता है ना कि गॉड्स क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इतना मस्त आ रहा बेटा, उधर नहीं जाना है मम्मा। देखिए कितना मजा आ रहा है, मौसम, सूरज और उसकी ब्यूटी, वाओ। ये सारे लोग घूमने के लिए भी आ रहे हैं और वेव्स तो इतने ही ज्यादा मजा है। पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो मामा, पीछे रहो, फिर से आ रही है वेव। सो गाइस फाइनली जो हम लोग हैं ना वो एकदम किनारे आ गए हैं। देखिए एकदम बीच के एकदम किनारे, और अब लग रहा है कि हाँ वाकई में हम लोग समुद्र किनारे आए हैं। इतना देर तक नहीं पता चला था। देखिए वेव्स और सारे लोग मस्त नहा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। अभी वॉक करके उधर जाएंगे हम लोग, उस साइड जाने वाले हैं, तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं। तो अभी जो क्राउड है ना गाइस अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लोग समुद्र में भी ज़्यादा आ रहे हैं। और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है, एंजल पानी में भींज गई पूरा, खेलते खेलते उधर खा रही, दौड़ते दौड़ते मैं भींज गया, नहीं चपाक से जंप मार दिए थे ना। तो इधर में मूढ़ी घुगनी मिलता है, तो गाइस ऐसे भी खाने के लिए इधर में मूढ़ी घुगनी तो बेस्ट है। तो चलिए मूढ़ी घुगनी का मज़ा लेते हैं, इधर में सारे लोग लगाए हैं, तो चलिए जल्दी से खा लेते हैं। सो गाइस विद अ न्यू लुक हम लोग आ गए हैं उदयपुर, और यहाँ पर देखिए सारे लोग हैं। कैसा लग रहा हूँ गाइस कमेंट नहीं कीजिए, कर रहे हैं कमेंट कीजिएगा जरूर से। और एकदम नया नया लुक, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे से टोपीज और आई लव दीघाज ये सब ऑलरेडी यहाँ पर पहले से बनाया हुआ है। अभी हम लोग नहीं लेंगे उसको, लेंगे उसको भी रहने खींचने, तो फिर फोटो खींचने नहीं बनेगा। तो पर भरा हुआ है पूरा, चलिए नहीं ठीक है, चलिए ना ठीक है। तो चलिए सो गाइस यहाँ पर ना देखिए बाइक्स वगैरह सब स्कूटीज वगैरह दिया हुआ है। एक्चुअली में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, ये एक्चुअली में उड़ीसा का प्लेस है, और ये कौन सा जगह है, ये उदयपुर, उदयपुर में हम सब आए हुए हैं, उदयपुर का सी शोर। एक्चुअली में यहाँ नहाने जैसा है, सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, हम सभी लेकर आए हैं अपने बैटिंग्स वेडिंग्स या बैगिंग वैगिंग पूरा सब लेकर आए हैं। यहाँ से हम लोगों को स्कूटीज दी जा रही है, हम उसका थोड़ा सा राइड लेंगे, मज़ा लेंगे, और लगभग 2 किलोमीटर जैसे जाने के लिए मिलेगा। वहाँ पर कुछ क्रैब्स वगैरह सब है या कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, हम लोग वहाँ जाएंगे एंजॉय करेंगे, तो देखते हैं थोड़ा सा ट्रिप मार लेते हैं। तो चलिए मेरा फ़ोन में आप लोगों को क्वालिटीज नहीं भी दिखेगा शायद, क्योंकि मेरा फ़ोन ना पानी में चला गया था और इसी कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो चलिए आपको बैक नंबर से दिखाते हैं कैसा है। हम लोग राइड कर रहे हैं दीघा में आकर के, वो भी समुद्र में। आप लोग कभी किए हैं? यहाँ तो बोला हार्ड मिट्टी है, लेकिन यहाँ हार्ड मिट्टी नहीं है, तो पूरा बालू बालू वाला मिट्टी है। और यहाँ पर 200 में स्कूटी राइड, तो 1.5 किलोमीटर जाना है, वहाँ देखने मिलेगा क्रैब और एंजल के पापा, हाँ और मछली, एंजल के पापा चला रहे हैं स्कूटी और हम लोग बैठे हैं पीछे। तो चलिए आगे का व्यू दिखाते हैं गाइस, क्या ही मस्त लुक है। अच्छा क्रैब आ चुके हैं, यहाँ देखने मिल रहा है क्रैब, वो गड्ढा गड्ढा किया है ना, वो गड्ढा गड्ढा किया ना उसी में ही। हाँ ये जो बोल हुआ है ना, अच्छा अब जब कोई नहीं रहेगा तो वो निकलेगा। चलिए देखते जाते हैं, सब अंदर चला गया। इधर पूरा है देखिए, पूरा हॉल है इधर, इधर पूरा है देखिए। हाँ देखिए फ्रेंड, ये सब जो है ना
ये सब सब जितना हॉल आपको दिखाई दे रहा है क्रैब लॉन्ग किया है ये गाइस। वहाँ पर क्रैब सब है बहुत सारा और आप लोगों को शायद नहीं दिखेगा भी, लेकिन हमें कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे लोगों को लोग देखता है वैसे ही घुस जाता है। और इधर में ना बहुत सारा है इधर में, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन सब घुस गया, बहुत होशियार है सब। थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए एक तो बड़ा सा होल है और इधर में बहुत सारा होल दिख रहा होगा। ये स्पेस में जितना होल है ना ये सब में क्रैब भरा हुआ है। अगर हम लोग खोदेंगे तो शायद मिल जाएगा। थोड़ा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं इसका मैं इंतज़ार करते हैं निकलता है। मोशन के किनारे में और आप लोगों को दिखाते हैं क्रैब जिसको हम लोगों ने गाड़ी में रखा है। और देखो यहाँ पर है क्रैब, दैट इज़ अ क्रैब। और वहाँ पर मरा हुआ ना देखिए, हम लोगों ने वहाँ पर क्रैब को रखा है, उसको हम लोग लेकर के जाएंगे। उसको बेटा पकड़ते हैं, रुकिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में क्रैब है, रेड वाला क्रैब, तो ये मज़ेदार है। और वो भी हम लोग कहाँ हैं देखो, समंदर के किनारे। देखिए ये है क्रैब, रेड क्रैब्स नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, ये समुद्री क्रैब्स है, बड़े बड़े होते हैं।